राम राम दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल माँ बेटी व्लॉग्स पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पंजाबी स्टाइल की डिश बनाने वाले हैं जो कि पंजाब की फेमस है। मेरे हस्बैंड जी सरसों का साग लेकर आए थे, तो हमने सोचा क्यों ना आज मक्की की रोटी ते सरसों का साग बनाया जाए। तो चलो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, चलो उसको करेंगे हम स्टार्ट। सबसे पहले हम सरसों का साग ले लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। साग को मैंने काट लिया है, अब इसको मैं अच्छे से धो लूंगी। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें जो धुला हुआ साग है उसको डाल देंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट ढककर रख लेंगे। अब हम ढक्कन हटा लेंगे और इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। फिर से इसको ढककर 2 से 3 मिनट रख देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ढक्कन हटाकर देखेंगे। देखिए इस पानी को हमने इसमें नहीं रखना है, इसको फेंक देना है। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे। दोस्तों तेल गर्म हो गया है, अब हम उसमें सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्ची और लहसुन डाल देंगे। लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ही रखना साग में, तो साग का टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसमें सरसों का साग डाल देंगे। और इसको थोड़ी देर ढककर पका लेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है। जब तक हमारा साग पक रहा है तब तक मैं मक्की की रोटी के लिए आटा लगा लेती हूँ। अब हम इसको एक बार चला लेंगे। अब हम नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब इसे चला लेंगे। अब इसे फिर से हम ढककर पका लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल लूंगी और थोड़ा सा नमक डालूंगी, ये ऑप्शनल है। आपका नहीं बनना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच तेल डाल लेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा मैंने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही लगा रही हूँ, क्योंकि हम 2 ही हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से लगाना। अब धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। इसको अच्छे से मसल लें, इससे रोटी जो है बहुत अच्छी बनती है। मक्की का आटा लगकर तैयार है, अब हम साग को देख लेते हैं। साग भी बनकर रेडी है, अब हम रोटियां सेकते हैं। मक्की की रोटी को बनाने के लिए पहले एक नीचे पॉलिथीन ले ले, उसको पानी लगा लें थोड़ा सा, हल्के हल्के हाथों से उसको फैला लें और उसको रोटी वाली शेप दे दें। तवे को थोड़ी सी ऑयलिंग कर लें ताकि हमारा मक्की की रोटी जो है वो नीचे ना लगे। अब उसको धीरे धीरे करके हटा दें।
देखिए कितनी अच्छी बनी है। जब आप इसे हाथों से फैला रहे होंगे तो आटे को नहीं उठाना बल्कि लिफाफे को ही घुमाते जाना। अगर ये चिपक जाए तो आप चाकू से इसको हल्के हाथों से ही करें, ये आराम से निकल जाएगा। देखिए इतने आराम से ये निकल गया। लीजिए हमारी मक्की की रोटी और सरसों का साग रेडी है। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। हमारी प्लेटिंग हो गई है, अब हम इसको कराएंगे अपने हस्बैंड को टेस्ट और पूछेंगे कैसा बना है। लीजिए करिए टेस्ट। अरे वाह, आ गया। आप भी खाओगे? बहुत बढ़िया, नाइस। देखिए हमारी आद्या का नया टॉय कैसे खेल रही है। आई होप आपको भी सरसों का साग ते मक्की दी रोटी की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। आप भी इसे घर पर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट बॉक्स पर आकर शेयर करें और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।